फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफर सफर कामयाबी तक। तो दोस्त, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीएस पेपर टू के गेस्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत से दोस्तों का डिमांड था कि सर पूरा जीएस पेपर टू का क्वेश्चन का मीन्स गेस्ट दिया जाए। उसके पहले हमने दोस्त पॉलिटी का डाला था, तो बहुत से दोस्तों ने उसे देखा, सराहा, कमेंट कर करके बोला कि सर हमें साइंस टेक, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी हमें गेस्ट क्वेश्चन चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं एनालिसिस कर करके क्वेश्चंस को देता हूं, जैसा कि आप पॉलिटी वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने एनालिसिस किया है। फिर भी इसके कौन कौन से क्वेश्चन आने की, मतलब कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आने की संभावना है, ज़्यादा टॉपिक नहीं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उससे कम ही टॉपिक मैं बतलाने वाला हूँ दोस्त। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि विभिन्न प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है दोस्त। तो इससे पहले की बात तो हम करें इस जगह पे कि इससे पहले हमने इसका वीडियो बनाया हुआ था और इसमें पूरा होल एनालिसिस था कि किस प्रकार से ट्रेंड रहा है पूछने का, और जो हरा हरा वाला यहाँ नज़र आ रहा है वे सब टॉप टॉपिक्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत ओवरऑल एनालिसिस के बाद पॉलिटी के अंतर्गत निकाला गया कि इलेक्शन कमीशन, डीपीएसपी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे ग्राम पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट, कुल मिलाकर करके पांच टॉपिक्स इस जगह पे बन रहे हैं दोस्त। और इसमें खास कर करके इस पर आप फोकस करें, केंद्र राज्य संबंध यानी सीएसआर हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन लिखा हुआ है, राज्यपाल हो गया, इलेक्शन कमीशन, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इन टॉपिक्स को यदि कवर कर पाते हैं तो आप तीन क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे इन्हें करेंट से रिलेट करते हुए। इलेक्शन कमीशन में ही आपका 17वीं लोकसभा वाली बात आ जाएगी। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे इन संबंधित, यह है जो आपका सृजन से हमने टॉपिक कुछ उठाया था कि कौन कौन से टॉपिक है जो यानी करेंट से इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चार पांच टॉपिक हमने क्या किया था, इसके अंतर्गत चुना था पॉलिटी के लिए, किसे आप जोड़ करके इसमें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाने का मकसद है, मुख्य मकसद है किसके लिए, तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टेक के लिए, क्योंकि इसी में यानी जीएस पेपर टू के अंतर्गत ही लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा वाइड एरिया लेकर के बैठ जाते हैं, थोड़ी सी कठिनाई इसमें होती है जीएस पेपर वन के बजाय। और जीएस पेपर वन का हमने बनाया भी नहीं है, क्योंकि उतना तो खैर जानते हैं लोग यहाँ क्या क्या हमें उसमें पढ़ने चाहिए, ठीक है, और उसका दायरा बहुत सीमित है। इसका भी दायरा यदि हम चाहें तो सीमित कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इस समय हमें क्या छोड़ना है, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। तो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है, मैं आपको तीन टॉपिक्स बतला रहा, और इन तीन टॉपिक्स को यदि कर करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर तीन टॉपिक्स में से मिनिमम आप दो क्वेश्चन कर पाएंगे, एक क्वेश्चन तो वो आपकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हो सके तो तीनों क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है दोस्त, लेकिन मैं दो क्वेश्चन की बात कर रहा। तो आपको एक एग्रीकल्चर देख लेने हैं जिसके प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स यानी उत्पादन वाली समस्या, मार्केट प्रॉब्लम्स को देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कैसे यानी बेरोजगारी कैसे मापा जाता है, इसके आंकड़े संबंधित क्या विवाद हैं, अभी तक सर्वाधिक बेरोजगारी का दौर से हमारा भारत गुजर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, और इसके दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन सभी बातों की आप यदि पढ़ाई कर लें तो निश्चित तौर पे इसका क्वेश्चन आप कर पाएंगे। उसके बाद प्लानिंग के अंतर्गत आपको रीजनल प्लानिंग यानी प्रादेशिक नियोजन को देख लेने हैं और इसके दूर करने के उपाय को, मतलब तीन टॉपिक हमने बताया। आप क्वेश्चन जरा क्वेश्चन बैंक निकाल कर करके देखें, उसका एनालिसिस आप करें तो आपको पता चल पाएगी कि किस प्रकार से इसका ट्रेंड रहा और पूछा है या नहीं पूछा है। बहुत ज़्यादा इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, खास कर करके तो इसे तो मत कहिए, एग्रीकल्चर को मत कहिए, बहुत बार आया हुआ है, लेकिन इस बार की संभावना यानी यह भी है। तो तीन टॉपिक यहाँ से कर करके जाना है। अब क्या है, जियोग्राफी का इसमें तो कोई टॉपिक है, तो जियोग्राफी के अंतर्गत आप देखिएगा ट्रेंड के हिसाब से तो आप खनिज कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है इतना करने के बाद यदि टाइम बचे तो उसे करना है, क्योंकि और भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और इतने करने में थोड़ी सी टाइम आपको लग ही जाएगी, तो यदि बचे तो खनिज कीजिए चौथा टॉपिक के रूप में। तो इससे कितने चार क्वेश्चंस आते हैं, चार टॉपिक्स हमने बतलाया है, उससे तीन क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए, तो साइंस टेक के अंतर्गत तीन टॉपिक मुख्य रूप से कीजिए, डिजास्टर यानी आपदा, ठीक है, यानी इसमें साइक्लोन जो फानी आया था, इस बार वायु भी आया था, तो इन संदर्भ में आप कर लीजिए, करंट से जोड़ करके पूछा जा सकता है। पोल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साथ ही इसके साथ आप जोड़ सकते हैं क्या, वाटर क्राइसिस यानी जल संकट को।
और इसके अंतर्गत उसमें तो खैर क्लाइमेट चेंज में भी उसे हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण से जल संकट आ रही है, ठीक है, और यानी जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी से आप देखेंगे, एनर्जी का हमने वीडियो भी एक बनाया हुआ है, ठीक है, लगभग 50 मिनट का है, तो उसमें हमने लगभग बेसिक कवर कर दिया है, उसमें केवल न्यूक्लियर एनर्जी बचा हुआ है, तो उसका वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, ताकि आप एनर्जी से एक क्वेश्चन यहाँ से कर पाएँ, हर बार एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमने यानी आपको कुल मिलाकर करके हम बात करें तो पॉलिटी के अंतर्गत हमने चार टॉपिक बतलाया हुआ, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चार टॉपिक बतलाया, साइंस टेक के अंतर्गत चार टॉपिक बतलाया, यानी चार से 12 यदि टॉपिक्स कर लिया जाए इसके क्वेश्चन के हिसाब से, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के ट्रेंड को समझते हुए कर लिया जाए तो इसके क्वेश्चन छूटने के संभावना है ही नहीं दोस्त। तो इतने करने हैं, इससे ज़्यादा भटकना नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और उतना हमारे पास समझिए ना, संविधान में ही आप 22 भाग है, 22 भाग करने बैठेंगे तो समझिए हमारे पास 22 दिन का भी समय नहीं है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में भी अच्छे खासे चैप्टर्स हो जाते हैं, साइंस टेक में भी आपके अच्छे खासे चैप्टर्स हो जाते हैं, यदि इतना हो पाए साइंस टेक के बाद है जो आप स्पेस को कर सकते हैं, बायोटेक को कर सकते हैं, तो कहने का मतलब इनके करने के बाद यदि इतना अच्छे से हो जाए तो इसके बाद है जो हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी चार टॉपिक हमने बताया तो 2 टॉपिक्स का क्वेश्चन आ ही जाना है, ठीक है। आप ट्रेंड को देखिए, क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है हमने एनालिसिस कर करके, इसमें ऐसे ही मेरा वीडियो नहीं आता है, नहीं तो आप पॉलिटी वाला सेक्शन को आप देखिए, ठीक है, उसमें हमने बताया हुआ है कि किस प्रकार से मैं एनालिसिस करता हूँ उसका, तो आप भी सीख जाएंगे और आप खुद से गेस कर पाएंगे दोस्त। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यह कारगर सिद्ध होगी दोस्त। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, थैंक यू।